अज़बिलिश्तरजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा फर्स्ट ईयर क्लास यानी कि 11th क्लास फिज़िकल एजुकेशन पार्ट वन, ठीक है। इंटर पार्ट वन का जो फिज़िकल एजुकेशन का गैस पेपर है, ये इंतहाई इम्पोर्टेंट गैस पेपर है स्टूडेंट्स, में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ये वो बोले वो आपके लिए क्वेश्चंस हैं जो बार बार पिछले हमारे पास्ट पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूं। और आपको ये भी पता है मैं हर गैस पेपर आपको पीडीएफ में देता हूं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जितनी मेरी ज़िंदगी रही मैं आप लोगों को गैस पेपर दूंगा और पीडीएफ में दूंगा। इसमें क्या होता है, कई टीचर क्या करते हैं, ये देखें इस तरह तो मैं भी कर सकता हूँ। ये देखें यहाँ पर मैं कर्सर को ले आऊँ और आहिस्ता आहिस्ता मैं नीचे को करता जाऊँ और कहूँ कि पढ़ते जाएँ, ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है। अक्सर स्टूडेंट की आई साइड वीक हो जाती है, ठीक है, नज़र कमज़ोर हो जाती है, या अगर नज़र कमज़ोर पहले से होती है उन्हें ये पढ़ना नहीं आता, यानी कि पढ़ना आता है पढ़ नहीं पाते। अब मैं आप लोगों को पीडीएफ में दूंगा ताकि आप इजीली इसे बड़ा कर लें, छोटा कर लें, जिस तरह आपकी मर्ज़ी, ठीक है, आप इजीली ताकि इसे अच्छी तरह से पढ़ लें और प्रिपेयर कर लें। अब इसमें इंतहा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको पता है उर्दू मीडियम है, ठीक है, और इसको अगर आप एक बार पढ़ ही लेंगे, याद करना तो दूर की बात, पढ़ ही लेंगे तो आप इजीली इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। 181 क्वेश्चन है ये स्टूडेंट, मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट हमारे पास एमसीक्यूज हैं, अगर आप इन्हें पढ़ेंगे तो मे बी आपको एक घंटा लग जाए या डेढ़ घंटा लग जाए, एक घंटे डेढ़ घंटे में इंसान आराम से पढ़ सकता है इन्हें, ठीक है। एक बार पढ़ना ही होता है, आदमी को याद हो जाता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इंशाल्लाह इन्हीं में से गैस पेपर में से आएगा आपका पेपर में। अब आपको ये देखिए मैं शॉर्ट क्वेश्चन दिखा देता हूँ, इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। ये देखिए थर्ड है हमारे पास, इसके बाद हमारे पास ये वाले क्वेश्चन, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है यहाँ पर, ये देखिए ये लॉन्ग क्वेश्चन हैं, ये कितने हैं 18 क्वेश्चन है। 18 क्वेश्चन को शुरू में पढ़ने के लिए 2 से 3 घंटे चाहिए, ठीक है। आप इनमें से भी अगर इम्पोर्टेंट आपको जो लगता है वो पढ़ लेंगे, इंशाल्लाह पेपर में भी वही आ जाएगा। अब आप लोगों को बता देता हूँ ये आपने पीडीएफ में किस तरह से डाउनलोड करना है, ठीक है, ताकि आप इजीली इसे प्रिपेयर कर सकें। यहाँ पर आ जाना अपने गूगल में, ठीक है, यहाँ पर सर्च में लिखना है आपने वेलकम अकेडमी 123। ये देखिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ किस तरह से, यहाँ पर लिखना है वेलकम अकेडमी 123। जैसे आप लोग लिख के सर्च करेंगे टॉप पर ही आपको वेबसाइट मिल जाएगी। यहाँ पर ये देखें मेरे पास फर्स्ट पर ही आ रही है, यहाँ पर मैं वेलकम अकेडमी पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे, ये ऑप्शन उन लोगों को नज़र आ रहे होंगे जो लैपटॉप और कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब जो मोबाइल यूज़ करें उन्हें किस तरह से मिलेगा वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये इन्होंने आज जाना है थर्ड ऑप्शन पर, ठीक है, लेक्चर्स पर, फिर आ जाना गैस पेपर पर क्लिक करना, क्लिक नहीं करना सॉरी, आपने इस पर कर्सर ही लाना है तो आपके पास 11th क्लास लिखा आ जाएगा। मैंने क्या किया, थर्ड ऑप्शन लेक्चर पर कर्सर लाया, फिर थर्ड ऑप्शन गैस पेपर पर लाया, उसके बाद 11th क्लास पर क्लिक कर दिया, ठीक है। जो मोबाइल यूज़ करें उन्होंने क्या करना है, उन्होंने यहाँ पर देखना कि यहाँ 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है, लास्ट में कॉर्नर में, इन पर क्लिक करना है। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे आपके पास थर्ड ऑप्शन मिलेगा, ये देखिए गैस पेपर का, इस पर नहीं क्लिक करना, आपने सामने वाले एरो पर क्लिक करना है, यानी कि तीर के निशान पर क्लिक करना है, वरना आपके पास एरर आ सकता है, ठीक है। कई स्टूडेंट मुझे कह भी रहे तो सर हमसे ओपन नहीं हो रहा, वो इसी वजह से नहीं ओपन हो रहा होता, आप तीर पर नहीं क्लिक करते। आप तीर पर क्लिक करेंगे, ये देखिए नेक्स्ट 3 ऑप्शन आ जाएंगे, फिर इसके बाद गैस पेपर है थर्ड ऑप्शन, पहला इंपॉर्टेंट, सेकंड है स्मार्ट सिलेबस, थर्ड है गैस पेपर। गैस के पेपर के सामने वाले एरो पर क्लिक करना है, तीर के निशान पर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे ये देखिए मेरे पास नेक्स्ट एक ऑप्शन आ जाएगा 11th क्लास। अब आपने 11th क्लास पर क्लिक कर देना, ठीक है, कोई एरो नहीं नज़र आएगा आपको। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है, जो कंप्यूटर वाले उनके पास भी, दूसरों के पास भी इस तरह से हो जाएगा। यहाँ अगर अपने अपनी रेटिंग देनी है, जैसे अभी भी कुछ लोग दे रहे हैं 27, 8, 9, 30, 31, 32, 33, 34, 5, 6, 7, 8, ठीक है, इस तरह से आपने अपनी रेटिंग दे देनी। रेटिंग देने के बाद आपने यहाँ सेकंड ऑप्शन लिखा हुआ है रेड कलर में,
2000 यानी कि 100% गैस पेपर फॉर फुल बुक 11th क्लास फुल बुक, ठीक है। इस पर आपने क्लिक करना है, इस लाइन पर। जैसे ही किसी भी जगह पर क्लिक करेंगे इस लाइन पर, रेड कलर की लाइन पर, आपके पास पेज कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब आपने यहाँ पर 90 नंबर देखना है। ये देखिए, यहाँ पर अपने रेटिंग देनी है। ये देखें, काफ़ी लोग अभी भी दे रहे हैं, 33 तक चलेगी रेटिंग, ठीक है। आपने अपनी रेटिंग भी यहाँ से क्लिक करके देनी है कि आपको कैसे लग रहे हैं गैस पेपर, जो मैं आप लोगों को PDF में दे रहा हूँ, ठीक है। अब 19 नंबर पर देखें, आपको मे भी नीचे शो हो रहे हो 20, 21, 23, 24, ठीक है। आपने 19 नंबर पर आना है, 19 नंबर पर हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन लिखा हुआ है इंग्लिश में, इसके सामने लिखा हुआ है गैस पेपर, सॉरी गैस लिखा हुआ है, ठीक है। मुझे नज़र आ रहा है, उम्मीद है आप लोग जब साइट पर जाएंगे आपको नज़र आ जाएगा। इस गैस पर क्लिक करना जो रेड कलर में लिखा हुआ है, मैं अभी क्लिक करता हूँ। ये देखें, जैसे मैं गैस पर क्लिक करूँगा मेरे पास ये देखें PDF ओपन हो जाएगी कुछ इस तरह से। वही PDF है ये, जो भी अभी आप लोगों ने देखी है, ठीक है। ये देखें, ठीक है, आप इजीली इसे पढ़ सकते हैं, जूम करके, जूम इन जूम आउट करके पढ़ सकते हैं। गैस पेपर कैसा लगा, वीडियो कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो स्टूडेंट लाइक लाजमी कर दीजिएगा, इससे मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान।